मेघना जल्दी करो यार, होटल बंद करने का वक्त हो गया है। मेघना 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 पागल मत बनो, वहां जाना मना है यार। तुम यहाँ नहीं आई और तुम्हें कुछ पता नहीं है मेघना? सर चूहा है, ईस्ट विंग की तरफ गया है। मैं उसे निकाल के आती हूँ, नहीं तो सारा फर्नीचर खराब कर देगा। बस दो मिनट। मेघना मेघना अंदर मत चल। मेघना 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 फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो। मेघना अपने फैमिली के साथ एक महीना रह लोगे, वो भी बिना किसी एंटरटेनमेंट के? ऐसा क्यों बोल रही हो? कितनी बार माफी मांग चुका हूं तुमसे, गलती हो गई मुझसे। गलती मैंने की तुमसे शादी करके, मतलब आई ट्रस्टेड यू। लाइक रियली मुझे नहीं पता था कि यहां कैसे मालिनी। पापा हम यहीं जा रहे हैं ना हॉलिडे के लिए? हाँ बेटा, isn't it beautiful? Yes. पापा इसमें कुछ ब्लैक हो रहा है। दिखाओ बेटा। नहीं बेटा, बस धूल होगी, साफ हो गई, सिर्फ धूल होगी है ना।
पापा यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो ये है तुम्हारे प्रोड्यूसर के दोस्त का होटल। हाँ, मोहन जी ने कहा था कि मेरी मूवी के स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, पर ये जगह कुछ ज्यादा ही वीरान है। एक्चुअली ये जगह बहुत अजीब लग रही है और यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है क्या? पापा ये पूरा होटल हमारा है। हाँ बेटा, मेघना माथुर, हिल क्वीन मनोर की रिसेप्शनिस्ट। मोहन जी ने मुझे फोन करके बताया था कि आप लोग आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की देखरेख की सारी जिम्मेदारी मेरी है। वेलकम। थैंक यू। हमारा लगेज? डोंट वरी अबाउट दैट। गुफरान, सर का लगेज रूम में फिसा दो। डॉक्टर ब्यूटीफुल मालिनी, तुम्हारी खूबसूरती के ना स्टैंडर्ड्स ही बदल गए। मुझे तो ये जगह डरावनी और अजीब सी लग रही है। जिस बजट में मुझे ये होटल एक महीने के लिए मिला है, कोई और होटल एक हफ्ते के लिए भी नहीं मिलता। उसे जब होटल लेकर जाते थे तब भी बजट के बारे में सोचते थे। अधीर,
चल अधीर, अब बस एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दे कि लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएं। कहानी कहानी अधीर, क्या हुआ मम्मी? अब कुछ नहीं, लगता है हवा से ये दरवाजा बंद हो गया। हाँ, डोंट वरी। ये बार बार 103 क्यों आ रहा है? और जाम हो गया। अधीर, अनन्या जाके मम्मा का फोन लेकर आओ। गो। मामा है ना? हाँ, मामा उस कैटेगर को बुलाते हो क्या? गुफरान, गुफरान, नताशा, नताशा दरवाजा खोलो। नताशा तुम यहां क्यों आई हो? नताशा दरवाजा खोलो। गुफरान, गुफरान, नताशा दरवाजा, नता क्या कर रहे हैं साहब? इसमें जाना मना है। पर अंदर वो कौन है? अंदर अधीर, कुछ नहीं।
क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी और तुम सुन ही नहीं रहे थे। आदि, कब से फोन कर रही हूँ और तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। कहाँ है तुम्हारा फोन? वो शायद टेबल पे रह गया होगा, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। स्मार्ट फोन तुमने टेबल पे रखा और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या उस कमरे में? मुझे भी अभी यहां सिर्फ 3 मंथ्स हुए, लेकिन हाँ, रूम नंबर 103 के बारे में मैंने भी सुना। ऐसा क्या हुआ था वहां? कहते हैं कि आज से 150 साल पहले इस होटल के ब्रिटिशर ओनर की वाइफ लेडी हैरियट ने उस रूम में सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? क्यों? क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि उसके हस्बैंड का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन उसने खुद की जान देने से पहले लेडी हैरियट ने ऐसा ही एक नाइफ उठाया और चुपचाप अपने सोते हुए पति के रूम में चली गई और वहां जाकर उसने अपने सोते हुए पति की उंगलियां काट दी। वही उंगलियां जिससे उसके पति ने अपनी प्रेमिका को छुआ था। फिर उसने अपने पति के कान काट दिए जिससे उसने अपनी प्रेमिका की हंसी सुनी थी। फिर
उसने अपने पति की नाक काट दी, जिससे उसके पति ने अपनी प्रेमिका की खुशबू सूंघी थी। और फिर लेडी हैरियट ने अपने पति की जुबान भी काट दी, जिससे उसने अपनी प्रेमिका से प्यार भरी बातें की थी। कहते हैं कि आज भी लेडी हैरियट की आत्मा हर बेवफा इंसान के साथ। बस बस, सर, योर ब्रेड एंड बटर। क्या हुआ, आप डर गए? रिलैक्स, ये तो सिर्फ लोगों की कही सुनी बातें हैं। असल में ऐसा उस रूम में कुछ भी नहीं हुआ था। पर आप तो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे जैसे आप खुद वहां थी। He's a cheater. Bewafa. कौन? तुम्हारे पापा। ये सब इस ड्रिंक की वजह से, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है मुझे। अरे अनन्या, बेटा आपने मुझे डरा ही दिया। आप अभी तक सोए नहीं? बेवफा, मम्मी के पास मत जाओ। अनन्या, अपनी मम्मी के पास मत जाओ। पापा, पापा। अनन्या, अपनी मम्मी के पास मत जाओ। मम्मी, मम्मी। Thank you.
तुम? हाँ, अनन्या कह रही थी कि तुम उसे डरा रहे थे। आदिर, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। आधी, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने हमला किया होता तो इसे याद तो रहता ना, इसे कुछ भी याद नहीं है। इसकी गलती नहीं है, यहाँ कुछ तो। अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। आधीर, लेकिन जाओगे कैसे? मतलब? पूरी रात भारी बारिश और तूफान की वजह से यहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड हुआ है, एंड दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से जाने का इकलौता रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। ना तो कोई उधर से इधर आ सकता है और ना ही कोई इधर से उधर जा सकता है। I don't care. अब मैं और नहीं रुकने वाला। But sir, मेघना प्लीज, हमारा जो भी बिल है अब बना दीजिए, हम अभी चेकआउट करेंगे, अभी और इसी वक्त। ओके सर। मुझे पता है तुम यहीं पे हो। देखो, मेरी गलती नहीं है, मैंने रोकने की कोशिश की थी, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया मेहरा के साथ, वो हमने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज उसकी तरह तुम मुझे मत मारो, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश भी की थी, पर वो, मुझे माफ कर दो प्लीज।
क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इतना घबरा क्यों? घबरा नहीं रहा हूं मैं, सॉरी. मेघना मैडम, मेघना मैडम, संभालो अपने आप को. अनन्या गाड़ी में है, वो डर जाएगी तुम्हें इस हालत में देखकर. तुम समझ नहीं रही हो, ये एकलौता रास्ता है यहाँ से नीचे जाने का, और ये बंद है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है नीचे जाने का. हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? आदिर, किसी को फोन कर लो ना. अरे हाँ, उस होटल के मालिक ने मुझे उस मैनेजर का नंबर दिया था, वो यही नीचे रहता है पहाड़ के नीचे, वो उसे पता होगा कि ये... क्या हुआ? मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा. मालिनी, अपना 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 फोन ट्राई करो. आदिर, मिला? मेरे इसमें भी नेटवर्क नहीं है. क्या? अब नीचे कैसे जाए? मालिनी, मम्मी, देखो आदिर, अब क्या करें? ये रास्ता बंद है, ना फोन का नेटवर्क. अब हम यहाँ कैसे दोगे? अब हम यहाँ कैसे दोगे? मालिनी, मेघना, मेघना, ऊपर चलते हैं. मेघना को पता होगा कि यहाँ से दूसरा निकलने का रास्ता कौन सा है, है ना? बैठो, बैठो, आओ बैठो. मेघना, 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 कहाँ गई मेघना? मेघना, मेघना, कहाँ चली गई मेघना? आधे मुझे बहुत डर लग रहा. मेघना, आदिर, आदिर, मेघना, मेघना, आदिर, पापा, आदिर, आदिर. मेघना, मेघना, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आदिर,
अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम कहाँ तक ये लताशा, लताशा नहीं मालिनी, ये सब छलावा है, ये खेल रही है हमारे साथ में। बोलो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो? बेवफा की मौत। सजा है तो मुझे मंजूर है। नहीं, आदिल! पर प्लीज नहीं! मेरी बीवी और मेरी बेटी को जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मंगलसूत्र ही देखकर डर रही है, इसका मतलब पूरी जिंदगी नहीं, जिंदगी जिसकी शुरुआत होगी अभी। लव यू टू।